दोस्तों, आपके घर में अगर एक्वेरियम है तो आप कभी ना कभी तो रेत के पोरेंटा गोल्डफिश को पाले होंगे। लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि इस गोल्डफिश का घर पे ये रेत क्या है और क्यों है, क्या काम है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, रेत के पोरेंटा गोल्डफिश को पहली बार जापान में डिस्कवर किया गया था। जापान में ही इस मछली को पोरेंटा फिशिगासी बोलते हैं। फैक्ट नंबर 4। रेत के पोरेंटा गोल्डफिश करीब करीब मैक्सिमम 12 इंच तक लंबा हो सकता है, लेकिन इंडिया में इतना बड़ा गोल्डफिश बहुत ही कम ही मिलता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, रेत के पोरेंटा गोल्डफिश का मैक्सिमम लाइफ टाइम है 15 साल। हाँ दोस्तों, ये 15 साल तक जिंदा रह सकता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, रेत के पोरेंटा गोल्डफिश नेचर में नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को नेट में आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। नॉर्मल रेत के गोल्डफिश और व्हाइट पोरेंटा फिश को आपस में क्रॉस करके ये हाइब्रिड मतलब रेत के पोरेंटा गोल्डफिश को बनाया जाता है नेट में। फैक्ट नंबर 1। इस फिश को और भी दो नाम है, होलेट लायन बाक डच लायन।